बीसीएस टी टेन लीग में आज जो तीसरा खेला जाएगा उस मुकाबले की सारी जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में। जानकारी है आपको देंगे ड्रीम इलेवन की जानकारी, मैच प्रेडिक्शन और उसके अलावा पिच रिपोर्ट, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लेना। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको 100% करेक्ट और एक्यूरेट मैच प्रेडिक्शन चाहिए तो इस नंबर के ऊपर अभी संपर्क कर लो यार। तो ये जो मुकाबला खेला जाएगा, ये 20वां मुकाबला होगा ईसीएसटी 10 लीग का और ये मुकाबला एनसीटी और एएमडी टीम के बीच खेला जाएगा और ये मुकाबला लिमासोल परेड ग्राउंड के ऊपर 23 जुलाई को जाएंगे आज इंडियन समय के अनुसार शाम को 7:30 पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पिच के बारे में बात नहीं करेंगे, पिच रिपोर्ट चाहिए वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा एक वीडियो, तीसरे मुकाबले का वीडियो, उस वीडियो में आपको मिलेगी पिच रिपोर्ट। तो यहाँ पर सीधी बात करते हैं एनसीटी टीम के प्लेयर्स, उनके रीसेंट मुकाबलों के परफॉर्मर्स और साथ में बैटिंग ऑर्डर, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। यासिर खान, इन्होंने 34 रन बनाए 21 गेंदों में, पहले मुकाबले में 0 रन बनाए 2 गेंदों में, दूसरे मुकाबले में 20 रन बनाए 13 गेंदों में, तीसरे मुकाबले में 42 रन बनाए 16 गेंदों में, चौथे मुकाबले में 60 रन बनाए 32 गेंदों में, पांचवें मुकाबले 2 गेंदों की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं हसन, इन्होंने 32 रन बनाए 23 गेंदों में, पहले मुकाबले में 0 रन बनाए 2 गेंदों में, दूसरे मुकाबले में 45 रन बनाए 25 गेंदों में, तीसरे मुकाबले में 6 रन बनाए 3 गेंदों में, चौथे मुकाबले में 3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग नंबर 5 और नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं आप। इधर ही इन्होंने 0 रन बनाए 1 गेंद में पहले मुकाबले में, 0 रन बनाए 0 गेंद में दूसरे मुकाबले में, 0 रन बनाए 2 गेंदों में तीसरे मुकाबले में, 0 रन बनाए 1 गेंद में चौथे मुकाबले में, 1 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3, नंबर 4 और कई बार ओपनिंग करते हैं फारूक अहमद, इन्होंने 25 रन बनाए 12 गेंदों में पहले मुकाबले में, 27 रन बनाए 20 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 6 रन बनाए 7 गेंदों में तीसरे मुकाबले में, 0 रन बनाए 1 गेंद में चौथे मुकाबले में, 10.3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 4 विकेट चटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4, 5 और नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं हसन, इन्होंने 5 रन बनाए 5 गेंदों में पहले मुकाबले में, 5 रन बनाए 4 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 2 रन बनाए 5 गेंदों में तीसरे मुकाबले में, 8 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 4 विकेट चटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5, नंबर 9 और नंबर 7 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं अब्दुल, इन्होंने 6 रन बनाए 4 गेंदों में पहले मुकाबले में, 6 रन बनाए 3 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 10 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 3 विकेट चटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 11, नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं रहमान, इन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। फैसल मियां, इन्होंने 3 रन बनाए 4 गेंदों में, 5.3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 10 के ऊपर जय बल्लेबाजी करते हैं हसन, इन्होंने 2 रन बनाए 5 गेंदों में पहले मुकाबले में, 6 रन बनाए 5 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 8 और कई बार ओपनिंग करते हैं अहमद, इन्होंने 0 रन बनाए 2 गेंदों में पहले मुकाबले में, 16 रन बनाए 8 गेंदों में दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं रोमन, इन्होंने 1 रन बनाए 2 गेंदों में पहले मुकाबले में, 11 रन बनाए 4 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 8 रन बनाए 7 गेंदों में तीसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं यमन, इन्होंने 4 रन बनाए 5 गेंदों में पहले मुकाबले में, 2.3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 के ऊपर जय बल्लेबाजी करते हैं अब्दुल, इन्होंने 29 रन बनाए 18 गेंदों में पहले मुकाबले में, 0 रन बनाए 1 गेंद में दूसरे मुकाबले में, 3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर जय बल्लेबाजी करते हैं हुसैन, इन्होंने 41 रन बनाए 19 गेंदों में पहले मुकाबले में, 19 रन बनाए 1 गेंद में दूसरे मुकाबले में, बनाए 2 गेंदों में तीसरे मुकाबले में, 7 रन बनाए 6 गेंदों में चौथे मुकाबले में, 8 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 3 विकेट चटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 7, 4 और नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं जमील, इन्होंने 23 रन बनाए 25 गेंदों में पहले मुकाबले में, 0 रन बनाए 3 गेंदों में दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग और कई बार नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं काजी, इन्होंने 0 रन बनाए 0 गेंदों में पहले मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 11 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं अब्दुल, इन्होंने 9 रन बनाए 13 गेंदों में पहले मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर जय बल्लेबाजी करते हैं और अब आपको बताते हैं एएमडी टीम के प्लेयर्स, उनके रीसेंट मुकाबलों के परफॉर्मर्स और साथ में बैटिंग ऑर्डर, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। स्वरूप, इन्होंने 32 रन बनाए 19 गेंदों में पहले मुकाबले में, 2 रन बनाए 4 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 50 रन बनाए 24 गेंदों में तीसरे मुकाबले में, 13 रन बनाए 6 गेंदों में चौथे मुकाबले में, 4 रन बनाए 13 गेंदों में पांचवें मुकाबले में, 18 रन बनाए 7 गेंदों में छठे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं
हितेश इन्होंने 6 रन बनाए 6 गेंदों में पहले मुकाबले में, 15 रन बनाए 10 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 10 रन बनाए 8 गेंदों में तीसरे मुकाबले में, 16 रन बनाए 12 गेंदों में चौथे मुकाबले में, 7.1 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 2 विकेट चटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग और कई बार नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। चक्रवर्ती इन्होंने 6 रन बनाए 6 गेंदों में पहले मुकाबले में, 18 रन बनाए 16 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 6 रन बनाए 10 गेंदों में तीसरे मुकाबले में, 0 रन बनाए 4 गेंदों में चौथे मुकाबले में, 0 रन बनाए 1 गेंद में पांचवें मुकाबले में, 24 रन बनाए 21 गेंदों में छठे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3, नंबर 7 ओपनिंग और नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। सौरभ इन्होंने 8 रन बनाए 11 गेंदों में पहले मुकाबले में, 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4 के ऊपर ये बल्लेबाज गौरव सांगवान, इन्होंने 11 रन बनाए 16 गेंदों में पहले मुकाबले में, 14 रन बनाए 17 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 0 रन बनाए 1 गेंद में तीसरे मुकाबले में, 16 रन बनाए 13 गेंदों में चौथे मुकाबले में, 5 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटका। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और कई बार ओपनिंग करते हैं। चौहान इन्होंने 4 रन बनाए 5 गेंदों में पहले मुकाबले में, 24 रन बनाए 10 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 10 रन बनाए 8 गेंदों में तीसरे मुकाबले में, 5 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6, नंबर 5 और नंबर 3 के ऊपर ये बल्लेबाजी करते हैं। विमल खंडूरी इन्होंने 2 रन बनाए 4 गेंदों में पहले मुकाबले में, 5 रन बनाए 3 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 10.5 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 5 विकेट चटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग और कई बार नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। और अब यहां पर बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला एएमडी टीम जीत जाएगी। राहुल शुक्ला इन्होंने 4 रन बनाए 8 गेंदों में पहले मुकाबले में, 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 7 के ऊपर ये बल्लेबाजी करते हैं। आशीष इन्होंने 1 रन बनाए 3 गेंदों में पहले मुकाबले में, 0 रन बनाए 1 गेंद में दूसरे मुकाबले में, 2 रन बनाए 5 गेंदों में तीसरे मुकाबले में, 0 रन बनाए 1 गेंद में चौथे मुकाबले, 14 रन बनाए 6 गेंदों में छठे मुकाबले में, 7 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 3 विकेट चटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3, 4 और नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। देओल इन्होंने 30 रन बनाए 24 गेंदों में पहले मुकाबले में, 22 रन बनाए 15 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 3 रन बनाए 5 गेंदों में तीसरे मुकाबले में और 1 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3, 4 और नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। श्रीकांत इन्होंने 2 रन बनाए 7 गेंदों में पहले मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 के ऊपर जय बल्लेबाजी करते हैं। विलोक इन्होंने 6 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 2 विकेट चटकाए। अर्जुन इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 2 विकेट चटकाए। शाह इन्होंने 1 रन बनाए 4 गेंदों में पहले मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर जय बल्लेबाजी करते हैं। अविनाश इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं चटकाया। अनिकेत इन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं चटकाया। और अब आप वो दिखाते हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर एनसीटी टीम ने ईसीएस टीटा लीग में 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 5 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला जीता है। वहीं दूसरी ओर एएमडी टीम ने ईसीएस टीटा लीग में 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 5 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला जीता है। तो दोनों टीमों का रिकॉर्ड एक जैसा है। और अगर आप लोगों को चाहिए ग्रैंड लीग टीम तो टेलीग्राम के ऊपर जो है मेरा चैनल क्रिक स्टार लाइव सर्च करो, टेलीग्राम के ऊपर पहुंच गए और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी हर दिन एक फ्री ग्रैंड लीग टीम और एक फ्री हेड टू हेड टीम। और मैच प्रेडिक्शन के लिए सीपीडीआर का स्क्रीनशॉट देखो और इनके साथ संपर्क करने के लिए यह है नीचे इनका व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर करो इनके साथ कॉन्टैक्ट। बारी है यहाँ पर मैच प्रेडिक्शन की, तो मैच प्रेडिक्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको मिल चुका होगा, अगर नहीं देखा है तो आपकी गलती है, दोबारा से वीडियो को फुल देख लो। और तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।